बिहार जिले के धामनौर थाना अंतर्गत हाईवे पर विगत दिनों योजनाबद्ध तरीके से कार में सवार विनोद साहू नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। गोली साहू के कंधे पर लगी थी एवं उनसे लाखों रुपए की लूट व कार लेकर आरोपी ब्रोकर व उसकी पत्नी फरार हो गए थे। धामनौत पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में लूट करने वाले दो आरोपी तथा घटना की मास्टरमाइंड आरोपी सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रकरण में फरियादी की दूसरी पत्नी सपना साहू ही निकली मास्टरमाइंड। धामनाथ पुलिस ने लूटा गया माशरूका बरामद कर लिया। कुल कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए का माशरूका जब्त किया गया। सपना साहू विनोद साहू के साथ नाम बदल कर रही थी सफर। पुलिस को उसने अपना नाम सलोनी साहू बताया था। वहीं राजेश नामक ब्रोकर का नाम नवल सिंह था जिसे बदल कर बताया गया। वहीं रेणुका शर्मा को भी खरीदार की पुत्री होना बताया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि सपना साहू व राजेश ये दोनों जेल के पूर्व के साथी थे। चूंकि सपना साहू विनोद साहू की दूसरी पत्नी थी, पहले उसके संबंध पति से प्रगाढ़ थे, किंतु कुछ समय से सपना से संबंध अच्छे नहीं रहे। वहीं फरियादी अपनी पत्नी के साथ रहने चला गया था, इसलिए सपना के द्वारा अपने पति विनोद साहू की हत्या के लिए साजिश रची गई थी। किंतु गोली मारते वक्त गोली विनोद साहू के कंधे पर लगी जिससे विनोद साहू बच गया। वहीं धामनौत पुलिस ने सपना का रिकॉर्ड खंगाला तो उस पर इंदौर जिले में धोखाधड़ी, कूच रचना, अपहरण, जालसाजी के कुल 6 अपराध पंजीबद्ध होने पाए गए हैं। वहीं आरोपी राजेश उर्फ नवल सिंह के विरुद्ध भी लूट, मारपीट, अवैध हथियार रखना, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर प्रवृत्ति के अपराध इंदौर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। वहीं धामनौत पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कच्चा व एक जिंदा कारतूस, लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी राजकुमार यादव के नेतृत्व में सुशील यदुवंशी, नारायण रावल, हिना कनेस, मनीष चौधरी व साइबर सेल के प्रशांत चौहान का विशेष योगदान रहा।